दोस्तों जब भी रैंडम खेलोगे तो उनके साथ एक चीज सही रखना, वो है बेस्ट सीएस रैंडम कॉम्बिनेशन। आप किस तरह से रैंडम से खुद को रिवाइव करवा सकते हो उसका भी ट्रिक बताऊंगा कॉम्बिनेशन पे। तो मेरे पास चार कॉम्बिनेशन है, लाइक सीएस रैंडम ब्रोंज टू हीरोइक, सीएस रैंडम हीरोइक टू मास्टर, सीएस रैंडम नो रिवाइव, सीएस रैंडम सपोर्टर। तो सारे कॉम्बिनेशन खतरनाक बनिए। स्टार्ट करते हम नंबर 4 से, रैंडम ब्रोंज टू हीरोइक स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों सीएस रैंडम अगर आप लोग ब्रोंज से हीरोइक करना चाहते हो उनके लिए कॉम्बिनेशन है, और अगर आपका रैंक उससे भी ज्यादा है तभी भी आप लोग देख सकते हो। ओके देखो गाइस, अगर आपको ब्रोंज से हीरोइक करना है जल्दी से तो मैं चाहता हूं आप लोग दिमित्री स्किल अपनी एक्टिव में चूज कर लेना। ओके दिमित्री से क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत खेल नहीं पाता है ना उनको भी रिवाइव मिलता है ना, तो आप उनके साथ थोड़ा सपोर्ट बना के खेल सकते हो। इसलिए तो मैं ऐसा बोलता हूं दिमित्री इज बेस्ट फॉर रैंडम, तो मैं यहां पे दिमित्री लूंगा। ओके एंड उसके साथ ही क्या करूंगा, यहां पे एक ऐसा कैरेक्टर लूंगा जिससे गाइस क्या होगा ना गाइस, मुझे कोई बंदा मारेगा तो मैं जल्दी मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा दिमित्री ऑन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास होगा सोनिया का स्किल। तो हम लोग पैसिव नंबर 1 में सोनिया को इक्विप कर लेंगे। इक्विप करने के बाद पैसिव नंबर 2 भी चूज कर लेते हैं। पैसिव नंबर 2 में आपको क्या करना है, ऐसा स्किल चूज करो यहां पे जिससे गाइस क्या होगा, आप किसी प्लेयर को नॉक करोगे तो आपका एनिमी का मूवमेंट स्लो होगा प्लस लोकेशन भी मिलेगा। तो हम लोग चूज करेंगे ओठो का स्किल, तो टीममेट को भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा, वैसे भी रैंडम खेल रहे हैं। तो रैंडम के साथ हम लोग तीसरा नंबर पैसिव भी चूज करेंगे। अब देखो गाइस मेरा टीममेट नॉक होगा तो उनको 4-5 सेकंड में नॉक को रिवाइव नहीं करवाना है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को 1 सेकंड में रिवाइव करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अपने दिमित्री में तीवा को भी इक्विप कर लेंगे। ओके तीवा इज नेसेसरी। ओके तो यहां पे हम लोग तीवा, ओठो, सोनिया एंड दिमित्री, तो ये ब्रोंज टू हीरोइक का कॉम्बिनेशन है। आ जाओ गेम प्ले के साथ समझाता हूं। हम सब देख रहे हैं ब्रोंज टू हीरोइक। अब देखो ब्रोंज टू हीरोइक खेलते वक्त कुछ-कुछ प्लेयर यहां पे थोड़ा सा वीक प्लेयर भी आता है आपका टीममेट में, एंड उनको अगर रिवाइव नहीं करेंगे तो यहां पे हम लोग कवर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको दिमित्री के साथ तीवा दिया प्लस सोनिया ओठो भी दिया। एंड यहां पे देखो प्लेयर नॉक था तो मैंने ऑन किया अपना दिमित्री, प्लेयर 1 सेकंड में रिवाइव हुआ प्लस मुझे थोड़ा एचपी भी मिल रहा था। एंड इसी के साथ देखो गाइस यहां पे प्लेयर वगैरह ओरियन भी यूज कर रहा था मेरे टीममेट में, लेकिन मेरा साथ एक और टीममेट था जो रैंडम ही था एंड वो भी दिमित्री ऑन किया था। एंड यहां पे देखो लास्ट में वो भी ऑन करता है जो मुझे रिवाइव करता है। आप लोग देखते जाओ हम लोग सब नॉक हो जाते हैं, अब वो अकेला बचता है एंड एनिमी टीम में 2 बचता है। अब यहां पे देखो जैसे दिमित्री ऑन किया यहां पे हम लोग दो बंदे रिवाइव होते जल्दी से। इसीलिए तो मैंने बोला आपको दिमित्री कैरी करने के लिए, एंड तीवा होता ना मुझे और अच्छा लगता उस प्लेयर से गाइस, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं उसने दिमित्री कैरी करा मुझे इस बात का गर्व है। एंड लेकिन एक और चीज, अगर आपको किसी प्लेयर से रिवाइव चाहिए ना, आप लोग एक चीज यहां पे देखो, अभी मुझे कोई रिवाइव नहीं कर रहा, आपको कोई भी कभी भी आपको किल करते वक्त कोई रिवाइव नहीं करेगा, ये चीज का गौर करना। एंड लेकिन अगर आपको रिवाइव करवाना है तो जल्दी से टैप टैप करो, वो रिवाइव वाला जो ऑप्शन आता है ना गाइस गोल करके उसमें टैप करो, उसके बाद वापस से एक बार जाना एंड अपना वॉइस चैट मैसेज जो होता है उसमें भी एक बार टैप कर देना, ठीक है, हेल्प मी बोल के, हेल्प मी ये करो, ठीक है, वो करोगे ना गाइस स्पैम करना मत ज्यादा, ठीक है, नहीं तो उन लोग खेलने में दिक्कत भी होता है, बस 2-3 बार जितना भी हो सके कर देना, उससे क्या होगा आपको 1 नहीं 2 प्लेयर भी रिवाइव कर दे जैसे मुझे रिवाइव किया भी, ठीक है, ये तो अच्छी लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा जिसे भी रैंडम प्लेयर रिवाइव करता है। आप एक और चीज याद रखना, जब भी दिमित्री खेलते हो तो अपना दिमित्री का जो ऑरा होता है ना उसमें स्टिक करना, ठीक है, उसमें स्टिक करके खेलना, नहीं तो आपका हाल भी कुछ इस प्लेयर जैसा होगा, उसने दिमित्री ऑन किया, मैं भी दिमित्री ऑन किया लेकिन वो दिमित्री से बाहर चला गया, तो ये फायदा नहीं था उसका, मेरा फायदा था ना, तो ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई करना, बाकी ये चीज भी याद रखना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, सीएस रैंडम हीरोइक टू मास्टर। तो दोस्तों अगर आपको हीरोइक टू मास्टर करना है तो उनके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और अगर आप ब्रोंज टू हीरोइक भी कर रहे हो ना तभी भी आप लोग ये भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो। देखो हीरोइक से मास्टर खेलते वक्त मुझे लगता है ना आपको ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका टीममेट ऑलरेडी उनके पास एक कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी ओरियन को कॉम्बिनेशन बना लो कि उसमें आपको रिवाइव से ज्यादा खुद पे बेहतर होना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं आप ओरियन का कॉम्बिनेशन लेके जाना उस टाइम में। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरियन लेंगे क्योंकि जल्दी से बंदा का क्लच भी कर सकता है, एंड क्लच करने वाला कॉम्बिनेशन बताता हूं। तो देखो सबसे पहले यहां पे आपको ऐसा स्किल लेना है जिससे आपको ना यहां पे एचपी मिले, तो हम लोग फॉर्ड का स्किल लेंगे। फॉर्ड का स्किल में कूलडाउन टाइम लगता है 20 सेकंड, बस इसका कूलडाउन को एक चीज काम आता है, अगर हम लोग ओरियन लेके खेलेंगे तो इसमें कूलडाउन टाइम लगता ही नहीं है, मतलब जब भी आपको एनिमी हिट करेगा
करेगा तो आपका पॉड चालू होगा और आपको 30 HP दे देगा इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए मैंने ओरियन के साथ फॉर्ड लिया है स्किल रिसेट करने के लिए। एंड यहां पे फॉर्ड के साथ हम लोग क्या करेंगे, मिगवेल को इक्विप करेंगे ताकि ईपी मिले ना बंदा को नॉक करने के बाद। एंड यहां पे हम लोग तीसरा नंबर पेसिव में केरी को इक्विप करेंगे क्योंकि गाइस फुल मूवमेंट चाहिए यार। देखो गाइस, हम लोग अगर बड़ा रैंक खेल रहे लाइक हीरोइक टू मास्टर पुश कर रहे तो उसमें थोड़ा मूवमेंट का जरूरत पड़ेगा। एंड इसी के साथ ये कॉम्बिनेशन भी बन चुका है, आप लोग इसको ट्राई करना, बाकी मैं आपको गेम प्ले के साथ समझाता हूं। तो चलो दोस्तों हम लोग देख रहे हीरोइक टू मास्टर सीएस रैंडम का कॉम्बिनेशन। आप देखो यहां पे बंदा लोग बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने यहां पे ओरियन आपको इंक्लूड किया है, फॉर्ड इंक्लूड किया है, मिगवेल एंड केली का स्किल थोड़ा मूवमेंट के लिए। अब देखो इस बंदा को मैंने मारा, अब यहां पे क्या हुआ, मेरा फॉर्ड भी चालू हो गया जिससे थोड़ा भी डैमेज देगा ना इस बंदा से गाइस मुझे यहां पे एचपी फॉर्ड दे देता है, ठीक है, मतलब 30 HP दे देता है। अब यहां पे हमले के पास मिगवेल भी था, अगर मैं किसी बंदा को नॉक करूंगा तो मुझे ईपी मिलते रहते हैं। अब यहां पे देखो नीचे से प्लेयर था, इसको हम लोग ग्रोजा से नॉक डाउन कर देते हैं। वैसे मेरे पास यहां पे ओरियन का ईपी था ही, लेकिन यहां पे देखो मुझे डैमेज पड़ा कहीं से नीचे से। अब यहां पे मेरा क्या चालू होता है, फॉर्ड चालू होता है। यस माय फ्रेंड, गुड फॉर्ड का यहां पे आप लोग को अब देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह से खेल रहा हूं आप लोग देखते जाओ। वापस से देखो, अब देखो हम लोग का स्किल जैसे यूज किया तो फॉर्ड का स्किल रीसेट हो गया। स्किल रीसेट होने के बाद फॉर्ड हम लोग को वापस से 30 HP दे देता है, ओके वापस से देता है। एंड इसके बाद देखो गाइस हम लोग के पास एक और चीज है गाइस, वो है केली, क्योंकि केली से आप लोग का स्प्रिंटिंग स्पीड होता है। लेकिन एक चीज और, यहां पे आप लोग पॉकेट मार्केट भी लेके खेलना क्योंकि आप लोग सीएस रैंडम खेल रहे हो एंड रैंडम में आप लोग को ईपी कहां से मिलेगा, तो पॉकेट मार्केट से मिलेगा। अब यहां से पूरा देखते जाओ होता क्या है। जैसे मैं यहां पे ओरियन बनता हूं ना, यहां पे बंदा नीचे था, दो बंदा था, तो मुझे ओरियन बनना पड़ा एंड इस वजह से मुझे काम आया पॉकेट मार्केट। एंड यहां पे क्या होता है, अब मेरे को देखो इस प्लेयर को मैंने मारा तो उससे गाइस मुझे यहां पे गाइस थोड़ा बहुत एचपी मिल रहा था। एंड इसी के साथ साथ मुझे ये भी काम आ रहा था कि मेरा जो फॉर्ड था ना बहुत काम आ रहा था कि ओरियन तो आपको हेल्प करेगा, प्लस केली भी है जो मुझे जोन से निकलने में हेल्प कर रहा था। एंड लास्ट में यहां पे देखो मुझे 2 HP बच जाता है, आप लोग देखते हो स्लो मोशन में देख रहे हो 2 HP। इस प्लेयर को भी हम लोग खत्म कर देते, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बचा लिया है अपना एस निकालने में। मुझे सच बोलता है ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं हीरोइक टू मास्टर यूज करूंगा तो ये कॉम्बिनेशन प्रीफर करूंगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, सीएस रैंडम नो रिवाइव स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों नो रिवाइव का मतलब है आपको मेडिकेट मारने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी से रिवाइव मांगने का जरूरत है, क्योंकि इसमें आपका काम कर देगा हीलिंग एचपी। ओके तो हीलिंग एचपी है, तो यहां पे रैंडम खेलेंगे एंड यहां पे सबसे पहले जेन को एक्टिव में इक्विप करेंगे। जेन आपका काम यही करता है कि आपको 60 HP प्रोवाइड करता है, प्लस एक और इसका बेनिफिट ये है कि ये आपका हीलिंग इफेक्ट्स वाले जो भी कॉम्बिनेशन होगा लाइक आपका जोटा हो गया, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो गया, लाइक आप लोग को मेडिकेट भी मार रहे हो ना तो आपको ज्यादा मिलेगा ओके एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोटा को इक्विप कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जोटा है कि नहीं वो भी ढूंढना पड़ेगा, तो चलो हम लोग ढूंढते हैं साथ में। एंड मेरे को जोटा मिल चुका है अपना अटैक में, तो मैं जोटा को इक्विप कर लूंगा कि जोटा आपको 40 नॉर्मल देता है, लेकिन अगर हम लोग इसको इक्विप करेंगे तो हम लोग को 80-70 समथिंग मिल जाता है, तो इसलिए मैं जोटा को इक्विप करूंगा। एंड नंबर 2 पेसिव में क्या करूंगा, नंबर 2 पेसिव में आपको ऐसा स्किल लेना है जिससे गाइस हम लोग को यहाँ पे बंदा अगर मारेगा तो हम लोग को एचपी मिले, तो मैं यहाँ पे फॉर्ड को इक्विप कर लूंगा एक और बार। ओके तो फॉर्ड हम लोग को नंबर 2 पेसिव में इक्विप करना है, ये ध्यान रखना। ओके तो यहां पे हम लोग क्या करें, एक और स्किल लेंगे क्योंकि नो रिवाइव है एंड बंदा अगर आपको थोड़ा सा भी एचपी डैमेज देगा ना तो आपको मेन एचपी में इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास होगा एंटोनियो कैरेक्टर। यस माय फ्रेंड, एंटोनियो कैरेक्टर आपको शील्ड एचपी प्रोवाइड करता है, वो भी वापस से रिजनरेट भी हो जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है एंटोनियो का स्किल। फॉर्ड का स्किल भी बेहतर है, जोटा और भी बेस्ट है एंड यहां पे अपना जेन और भी बेस्ट है, तो यही कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे हम लोग और टेस्ट करेंगे ये कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं। तो चलो आज हमारे पास सीएस रैंडम का नो रिवाइव कॉम्बिनेशन, मतलब कोई रिवाइव का टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास जेन है, जोटा है, फॉर्ड है एंड एंटोनियो का स्किल है। आप लोग देखते जाओ, यहां पे सबसे पहले हम लोग एनिमी का लोकेशन फाइंड करेंगे। देखो ड्रॉप पे बंदा था, इसको मैंने मारा, इसने मुझे थोड़ा भी डैमेज दिया तो यहां पे जल्दी से फॉर्ड हील भी हो जाता है, ठीक है, ये काम आता है। एंड मेरे पास वैसे भी एंटोनियो था तो यहां पे उसने डैमेज ही नहीं दे पाया, ये बात मुझे अच्छा लगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे। अब मुझे देखो एंटोनियो में डैमेज पड़ा, देखा ना वो ब्लू कलर का वही था शील्ड एचपी पॉइंट, ठीक है, एंटोनियो का। अब देखो यहां पे वापस से एंटोनियो में हीट किसी ने किया, क्योंकि एंटोनियो आपका जल्दी से रिचार्ज भी होता है ना, वही बात है। अब मेरे जेन
को ऑन किया, मेरे को यहाँ पे एचपी मारने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि जल्दी से जेन ने मुझे 60 एचपी टेम्पररी टाइम के लिए दे दिया था। एंड वैसे भी हमारे पास जोटा था जो हम लोग एक बंदा को नॉक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 60-70 एचपी ऐसे ही मिल रहा था। एंड उसके बाद देखो गाइस हम लोग ग्लूआ लगाएंगे, लास्ट का प्लेयर देखो यहाँ पे इसको भी खत्म कर दे। वैसे भी इसके पास ओरियन था, थोड़ा डर लग रहा था लेकिन तभी भी हम लोग खत्म कर दे। ये कॉम्बिनेशन नो रिवाइव का है, आप लोग ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे, सीएस रैंडम सपोर्टर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट देना चाहते हो तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्लू को इक्विप करेंगे, क्लू से आप एनिमी का लोकेशन फाइंड कर सकते हो प्लस अपना टीममेट को भी हेल्प कर पाओगे, ओके क्लू से। एंड इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, पैसिव नंबर 1 चूज करेंगे। तो नंबर 1 पैसिव में आप लोग यहां पे मोको को इक्विप कर लेना क्योंकि आप लोग जैसे किसी प्लेयर को हीट करोगे तो 6.5 सेकंड के लिए आप लोग एनिमी को यहां पे लोकेशन प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, मोको के साथ नंबर 2 पैसिव भी चूज करेंगे क्योंकि हम लोग जल्दी से जाएंगे और मोको ऑन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे केली द स्विफ्ट को इक्विप करेंगे फॉर स्प्रिंटिंग स्पीड, ओके। केली द स्विफ्ट लेने के बाद नंबर 3 पैसिव याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अपना एक्यूरेसी वाला कैरेक्टर डीबी कैरेक्टर, ठीक है। तो डीबी हम लोग काम आता है अटैक करने में क्योंकि आपको भी जरूरत है अटैकिंग में, ओके, क्योंकि आप लोग फाइट करोगे रैंडम में तो ये काम आने वाला है डीबी, ठीक है। तो डीबी लेंगे, यहां पे केली लेंगे, मोको एंड क्लू का स्किल। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ये गेम प्ले काम आता है सपोर्ट में। तो चलो तो हम लोग देख रहे हैं सीएस रैंडम का सपोर्टर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको मोको ऑन कर लेना क्योंकि आपके पास तो केली होगा। अब देखो राइट से बंदा रहा है तो मुझे यहां पे नेड करना पड़ा, नहीं तो मैं स्ट्रेट नेड करता। अब यहां पे राइट करने के साथ साथ एक और बंदा स्ट्रेट भी था, देखो एक बंदा को यहां पे मारा तो इसको मोको लग चुका है। मोको लगने के बाद देखो ये जहां भी भागेगा ना मुझे लोकेशन मिलते जाएगा 6 सेकंड के लिए। यही हुआ कि ये बंदा यहां पे था, देखो अब इसको मैंने मारा, अब यहां पे वापस ये भागा, मोको लग ही रहा है इसको, ठीक है। अब इसको ये नॉक कर देता हूं मैं एंड इसके बाद इसको पूरा खत्म करता। पूरा खत्म करने के बाद यहां पे 3 बंदा बचा होता है, मेरा टीममेट ने उसको मार देता है। अब टीममेट मेरा मारने के बाद अब देखो गाइस मेरे पास डीबी भी है, डीबी से क्या होता है ना गाइस आपको एक्यूरेसी मिलता है एंड उसके बाद मेरा ये जो क्लू कैटर आप लोग देख रहे हो ये बहुत जल्दी रिचार्ज भी होता है। तो मेरे वापस से अपना एनिमी का लोकेशन फाइंड किया, लोकेशन फाइंड करने के बाद मुझे मिला एनिमी यहां पे बैठा हुआ है तो मैंने जिस बंदा को मारा उससे नेड लिया एंड यहां पे इस प्लेयर को नॉक कर दिया जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा अभी तक का नेड स्किल में, ठीक है। मतलब नेड करने में मुझे ये सबसे बेस्ट लगा क्योंकि मुझे लोकेशन फाइंड करके नेड मारा ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद लास्ट का प्लेयर बचा था तो आगे जाके इस प्लेयर को भी तो लोकेशन मिला ही था वैसे भी एंड इसको भी खत्म कर दे। तो यही स्किल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, सपोर्ट में बहुत काम आता है, आप ट्राई जरूर करना।